दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज में मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम जिस सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन जो थे वो नब्बे फ्रायडवादी थे और इनका जो सिद्धांत है वो फ्रायड के सिद्धांत पर आधारित है। और इनने अपने सिद्धांत में 8 स्टेप में व्यक्ति के पूरे जीवन को डिफाइन किया हुआ है और व्यक्ति की मनोवृत्ति के बारे में इन्होंने बताया है। तो चलिए सीधे अपन टॉपिक पे आते हैं और एक एक करके 8 जो स्टेप है उनको हम समझते हैं। पहला जो स्टेप है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। पहला जो स्टेप है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। इस अवस्था में बच्चा जो रहता है वो विश्वास से भरा हुआ रहता है और ये अवस्था जो है वो 1 वर्ष की अवस्था में ये अवस्था आती है। बच्चा विश्वास से भरा हुआ रहता है और फिर अगर उसके अंदर ऐसा फील होने लगता है उसको कि मैं इस चीज़ में मेरे अंदर विश्वास नहीं आ पा रहा है, तो वो उसको ऐसा अपने अंदर लगने लगता है कि अविश्वास की भावना उसके अंदर आने लगती है। मतलब दोनों चीज़ों में एक भ्रम की स्थिति बन जाती है, विश्वास और अविश्वास के बीच में एक भ्रम की स्थिति बन जाती है। तो इस स्टेज को एरिक्सन ने विश्वास बनाम अविश्वास नाम दिया है और ये 1 वर्ष तक चलती है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज आती है वह है स्वायत्तता बनाम शर्म। सेकेंड स्टेज जो है वो है स्वायत्तता बनाम शर्म। यह एरिक्सन की जो सिद्धांत है उसकी दूसरी स्टेज मानी जाती है और इस यह जो स्टेज होती है यह 1 से 3 वर्ष के बीच में चलती है। स्वायत्तता से तात्पर्य है यहाँ पे जो बच्चा रहता है वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है, किसी भी काम को स्वयं करने की कोशिश करता है और इस बीच में अगर उसके साथ कुछ इंटरफेयर किया जाता है तो उसके अंदर उसको उस काम में करने में शर्म महसूस होने लगती है। तो इस चीज़ में स्वायत्तता और शर्म के बीच में व्यक्ति के अंदर भ्रम पैदा होने लगता है। तो इस अवस्था को एरिक्सन ने स्वायत्तता बनाम शर्म नाम दिया है और ये जो अवस्था है ये 1 से 3 वर्ष के बीच चलती है। तो मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊँगा और ज़्यादा क्रिटिकल भी नहीं बनाऊँगा और बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। और इनके जो क्वेश्चन वगैरह हैं इनकी डिस्कस जो है हम इसकी दूसरी सीरीज जो बनाएंगे इसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे रिलेट आए हुए हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है पहल बनाम अपराध बोध। तीसरी जो स्टेज है वो है पहल बनाम अपराध बोध। ये जो स्टेज है ये 3 से 5 वर्ष के बीच में चलती है। इस स्टेज में बालक जो होता है वो किसी कार्य को करने के लिए नई पहल शुरू करता है और अगर पेरेंट्स द्वारा अभिभावक द्वारा उसको कुछ ऐसा फील कराया जाता है कि नहीं तुम जो काम कर रहे हो वो गलत है तो बालक के अंदर जो है अपराध बोध आने लगता है। इस तरीके से पहल और अपराध बोध के बीच में बालक के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। एरिक्सन का ये तीसरा स्टेप है। ये जो एज है वो 3 से 5 वर्ष के बीच में ये स्टेज चलती है।
इसके बाद जो चौथी स्टेज आती है वो होती है परिश्रम बनाम हीन भावना। चौथी स्टेप होता है परिश्रम बनाम हीन भावना, और ये जो स्टेज होती है ये 6 से 12 वर्ष के बीच में चलती है। परिश्रम बनाम हीन भावना की स्थिति में बच्चा जो होता है वो किसी कार्य को करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करता है, लेकिन उसके अनुरूप उसे उसके परिणाम नहीं मिलते हैं या उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो इस स्थिति में बच्चे के अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। तो ये परिश्रम और हीन भावना के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है बालक के अंदर। ये जो स्टेज है ये 6 से 12 वर्ष के बीच में चलती है। इसके बाद जो 5 स्टेज आती है वो स्टेज होती है पहचान बनाम पहचान भ्रम। ये जो स्टेज होती है ये 12 से 18 वर्ष के बीच में चलती है। इस एज में बालक जो होता है वो किशोर अवस्था में होता है और बालक खुद की अपनी पहचान बनाने की इच्छा रखता है, बालक खुद की अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, भरपूर प्रयास करता है, लेकिन फिर भी अगर वो उस चीज़ों में सफल नहीं हो पाता है तो उसे, क्योंकि आप जानते हैं कि सफलता जो होती है कभी कभार धोखा दे जाती है और लगातार सतत मेहनत से हमें सफलता मिलती है, तो क्या होता है कि बालक अगर बार बार असफल होता है तो उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उसको अपनी पहचान बनाने में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पहचान और पहचान भ्रम के बीच में एक बड़ा भ्रम तैयार हो जाता है। तो ये एरिक्सन के अनुसार ये 5वीं स्टेज है और इसकी जो एज है वो 12 से 18 वर्ष के बीच में चलती है। इसके बाद जो 6वीं स्टेज आती है वो है आत्मीयता बनाम अलगाव। एरिक्सन के अनुसार ये 6वीं स्टेज है और नाम है आत्मीयता बनाम अलगाव। ये चलती है 20 से 30 वर्ष के बीच में। होता क्या है इस स्टेज में, इस स्टेज में क्या होता है कि जब व्यक्ति 20 से 30 वर्ष के बीच होता है तो उसे कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अपने परिवार वालों से, अपने प्रियजनों से उसको दूर होना पड़ता है, चाहे वो व्यवसाय के लिए हो या कोई दूसरा और ऑप्शन हो सकता है। इस तरीके से क्या होता है कि उसको अपने परिजनों से जब दूर होना पड़ता है तो क्या है, इस एज में व्यक्ति के अंदर एक आत्मीयता की भावना रहती है, वो लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, अपनों से प्रेम भाव से जुड़ा हुआ रहता है। अगर इस स्टेज में वो अलग होता है तो उसके अंदर अलगाव की भावना पैदा होती है और व्यक्ति के मन में दुख पैदा होता है। इस तरीके से आत्मीयता और अलगाव के बीच में व्यक्ति के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। ये जो स्टेज है ये 6वीं स्टेज मानी जाती है। इसके बाद जो 7वीं स्टेज आती है वो है जननात्मकता बनाम स्थिरता। ये जो स्टेज है ये 40 से 50 वर्ष के बीच में चलती है। इस स्टेज में क्या होता है कि व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने अपनी आने वाली अगली पीढ़ी के लिए क्या एकत्रित किया है, क्या मैंने उस चीज़ का सृजन किया है, तो उस अपने जीवन में ये देखता है कि मैंने अपनी क्या जनन किया है, क्या इकट्ठा किया है, क्या मैंने अपनी पीढ़ी के लिए किया है।
ठीक है, अगर उसको आता है उसके मन में कि यार मैंने अपनी पीढ़ी के लिए कुछ नहीं किया है या मैं कुछ नहीं कर पाया अपने जीवन में, तो उसके मन में स्थिरता का भाव पैदा हो जाता है। इसके बाद जो स्टेज है आठवीं और अंतिम स्टेज, इसका नाम है संपूर्णता बनाम स्थिर, संपूर्णता बनाम निराशा। ये जो स्टेज है ये चलती है 60 वर्ष से जीवन पर्यंत। ये अंतिम स्टेज है एरिक्सन के अनुसार, और इस स्टेज में व्यक्ति अपने पूरे जीवन को एक कल्पना के रूप में देखता है, पूरे जीवन की खामियों को खूबियों को देखता है, और वो ये देखता है कि मैंने अपने जीवन में क्या अर्जित किया, क्या किया मैंने अपने जीवन में। अगर उसको लगता है कि मेरा जीवन मैंने सार्थक किया है, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो उसको अपना जीवन संपूर्णता की ओर दिखाई देता है। और अगर उसे लगता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, तो उसे अपना जीवन जो है निराशामय दिखाई देता है। तो इस तरीके से संपूर्णता और निराशा के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, और ये जो स्टेज है ये 60 वर्ष से जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। तो ये था एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। और मैं आपको बता दूं, इसके जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हैं, इसके पार्ट टू में इससे संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं उसका डिस्कस हम इसके पार्ट टू में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी क्यूरीज हो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ, और इसके साथ साथ बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।